हॉस्पिटल है या मजा? आपके नाक नीचे लड़की गायब हो जाती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को पैसे किस चीज के दे रहे हैं हम? अगर मरियम हमें नहीं मिली तो याद रखिएगा, आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे आप? अस्सलाम वालेकुम आयत। हम खैरियत से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान में? जी आयत। आयत अभी के अभी मुझे आपके घर का एड्रेस। हेलो हेलो आयत आयत शुक्रिया भाई जान। अरे जनाब शुक्रिया कैसा, एक छोटा सा फोन कॉल ही तो है। माफ करना जनाब। अबू आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? दुल्हन हम किसी अच्छे वकील से मिलकर अभी वापस आ जाएंगे। अबू ख्याल से जाइएगा। ओंकार बेटा सब खैरियत? ओंकार भाई मजाज खैरियत से तो है? हाँ भाभी मजाज ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। चाचा हुजूर मैं मजाज को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे आप लोगों का वास्ता देके वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। नहीं ओंकार नहीं, खुदा रहा ऐसा मत करो बेटे, हमारे सामने इस तरह से हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करो। तुमने तो अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया बेटे, आज के जमाने में जब बुरा वक्त आता है तो अपना खून भी साथ नहीं देता। तुम अगर न होते तो हमें न जाने और कितने सितम सहने पड़ते बेटे। आप लोगों ने दिन कैसे गुजारे होंगे इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। मजाज के भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, हम इंडिया के बेस्ट लॉयर को हायर करेंगे जो मजाज को बेकसूर साबित कर सके। पहले अपने आप को बेकसूर साबित करो मिस्टर ओंकार। टेररिस्ट का साथ देने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है तुम्हें। सुबह हो गई आज तो अबू आने वाले हैं। रूई के कमरे में मैं कैसे आई? मैं तो रात फरहान भाईजान ने मुझसे झूठ बोला, फोन पूरे अंकल का साथ दे रहे, वो उन्हीं के साथ ही मिले हुए हैं, लेकिन वो मुझे यहाँ क्यों लाए? आज हमको तुम्हारी फिक्र नहीं तुम पे फक्र हो रहा है। तुमने काफी जोखिम उठा के इस मिशन को अंजाम दिया और हमें यकीन दिलाया कि ये मिशन तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। बहुत खूब, लेकिन अब बास की आंख पर नजर रखना, बुलबुल तो हमारे पिंजरे में है ही। बास सबसे पहले नजर हवेली पर ही दौड़ाएगा, इसलिए मैं अपना आदमी हवेली तक भेज रहा हूं ताकि मजाज की हर एक हरकत की खबर हम तक पहुंच सके, और मजाज को जल्दी हम अपने पिंजरे में कैद कर लेंगे हुजूर। बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ मजीद काम है। यहाँ सब संभाल लेना फरहान, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, आप दीगर मामलात पे गौर कीजिए, इधर मैं सब संभाल लूंगा। ये बुरे लोग मेरे अबू से क्या करवाना चाहते हैं? मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा और अबू को बताना होगा, लेकिन यहां से जाऊं कहां से?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप बता सकते हैं ब्रिगेडियर नवाज खान कहाँ रहते हैं? और नदीम कैसे हो? बढ़िया जनाब। अच्छा सुनो नदीम, खबर मिली है हिंदुस्तान से एक दहशतगर्द फरार है, तो अपनी आंखें और कान खुले रखना। जी जनाब। हुजूर कोई नवाज खान का पता पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है? कहाँ से जनाब? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। क्या बात कर रहे हैं? माशाल्लाह, आप तो हमारे ससुराल के हैं, इसका मतलब आप हमारे रिश्तेदार हुए। अब बताइए जनाब, कहाँ जाना चाहते हैं आप? ब्रिगेडियर नवाज खान के घर जाना था। हम छोड़ देते आपको वहाँ पे। नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए भाईजान, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो करके मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूंगा। नदीम बांध दे मेरा, हम भी उसी ओर जा रहे हैं, रास्ते में छोड़ देंगे आपको। हाँ, और बताइए इस्लामाबाद में क्या करते हैं आप? जी मेरी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। और घर पे कौन कौन है आपके? मायरा खाना खा लीजिए प्लीज, आपने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज मायरा खाना खा लीजिए। बेटा कैसे इसके हलक से निवाला नीचे उतरेगा? हाँ, कुदरत का खेल देखो, तुमने तो कोशिश की थी ना इनकी और रेहान की शादी करवाने की, लेकिन अब तकदीर के आगे क्या कह सकता है कोई। अल्लाह बस रेहान को जन्नत नसीब करे। माहिरा, मैं आपकी ज़िंदगी में कभी रेहान की जगह तो नहीं ले सकता और ना ही जो हुआ है उसे बदल सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि रेहान और फूफा जान दोनों किसी साजिश के शिकार हुए हैं। अब तक सो रही है? ये काकी, ढूंढो इसे, नहीं तो मेरी जान ले ली जाएगी। ढूंढो। ना जाने कहां चले गई, लगता है भागी। जल्दी चलो, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो चलो। बच के जाएगी? हाँ, मुझसे बच के जाएगी। पकड़ो इसे, इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। पकड़ो उसे, पकड़ो उस बच्ची को। तेरी मरियम, मरियम गेट खोलो, मरियम। इस लड़की ने तो हमें ही किडनैप कर दिया। बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। गेट तोड़ो, खिड़की तोड़ो, कुछ मर्जी करो, पर वो बच्ची हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, समझे? तो मेरे जिस्म के हिस्से पड़े हुए मिलेंगे। तोड़ा इसे। जी